गुड आफ्टरनून बोर्ड परीक्षा दे रहे सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज बोर्ड परीक्षा के संबंध में ही बात करेंगे कि बोर्ड परीक्षा जो है वो 24 मार्च से शुरू हो रही है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं। और 24 मार्च से कुछ छोटे विषय हैं उनकी परीक्षाएँ आयोजित होने वाली है। इससे पहले आपके 9-10 तारीख के आसपास तक परिबोर्ड होंगे, उसके बाद आपका परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश शुरू हो जाएगा। तो परिबोर्ड देने के बाद आपको जो गैप मिलेगा परीक्षा तक, उसमें आप कैसे तैयारी करें, तो सबसे महत्वपूर्ण बातों की अपन यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है कि अपने को एक ही चीज़ पढ़नी है, चाहे आप नोट्स पढ़ रहे हैं, चाहे आप किताब पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी बुक सेलर की कोई किताब, दूसरी किताब जो बोर्ड या एनसीईआरटी ने लागू नहीं कर रखी, उसके अतिरिक्त आप पढ़ रहे हैं किसी प्राइवेट बुक सेलर की किताब, तो वो एक ही आपको पढ़नी है। और मैं विशेष रूप से आपको सलाह दूंगा कि आपने जो टीचर ने जो नोट्स लिखाए हैं, या तो यदि वो अच्छे हैं तो वो पढ़िए, और यदि आप किताब में से कुछ कवर कर सकते हैं तो आप किताब पढ़िए, बहुत अच्छी एनसीईआरटी किताब है। लेकिन एक ही चीज़ को बार बार पढ़िए, अलग अलग चीज़ों को आप एक एक बार पढ़ने से अच्छा है कि आप एक ही चीज़ से बार बार जो है उसी को रिपीट कीजिए। जैसे किसी वस्तु को अपने को काटना है, मैं कभी आरी लेके आता हूँ, मैं कभी हथौड़ा लेके आता हूँ, मैं कभी कुल्हाड़ी लेके आता हूँ, उसकी बजाय है अपन एक ही कुल्हाड़ी की बार बार चोट दें, या एक ही हथियार को बार बार जो है वो काम में लें, तो वो जल्दी काम हो जाएगा और अच्छा होगा। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो विषय वस्तु आप पढ़ रहे हो उसमें एक ही चीज़ पढ़नी है, चाहे नोट्स पढ़ो चाहे किताब पढ़ो। और मैं विशेष रूप से किताब की सलाह दूंगा, कुछ चैप्टर हैं आपके समझ में नहीं आए, बाकी किताब जो है एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, किताब में सारे जो है टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, आपका कोई चीज़ छूटेगी नहीं। टीचर ने मान लो कोई चीज़ छोड़ भी दी है, छूट भी गई है, तो वो भी उसके अंदर कवर हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, पूरी विषय वस्तु जो आपको परीक्षा तैयारी का अवकाश मिलता है उसमें आप पूरी विषय वस्तु जो है उसको पढ़ लीजिएगा। और पूरी किताब पढ़ने के बाद उसमें से जो मोटी मोटी बातें हैं उनको, मान लो वो 10 पन्नों में या 15 पन्नों में आती है, तो उसके अंदर आप नोट कर लीजिएगा। अब सारी चीज़ें आपको पता है, किताब के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, बातें होती है, उनमें से अपने को छांटना होता है। जैसे थ्रेसर मशीन क्या करती है, थ्रेसर मशीन जो है वो कचरे को अलग कर देती है, और जो मेन जो होता है फसल का हिस्सा जो, उसको अलग कर देती है। तो वैसे ही अपने को करना है, किताब पूरी फसल है और फसल में से दाने जो है उनको अपने को अलग कर लेना है, क्योंकि लास्ट में वही काम में आने वाले हैं। उन दानों को जो है आप लोगों को क्या कर लेना है, व्हाइट पेपर लेने हैं, या आपके पास एक अच्छी कॉपी है तो उसके अंदर आपको लिख लेना है। अब उन चीज़ों को जो आपको महत्वपूर्ण आपको लगती है, उनको सबको क्या कर लेना है, एक नोटबुक के अंदर नोट कर लेना है। और नोट करने के बाद आप उन्हीं का बार बार अभ्यास करेंगे, जो आपको महत्वपूर्ण लगती है कि ये मेरे को आ सकती है और ये एग्ज़ाम के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है, उनको आप पेज में, 10 पेज में आती है वो या 20 पेज में आती है, और आपका परीक्षा तैयारी का जो अंतराल बचा हुआ है, मान लो 2 दिन मिले हैं आपको, तो 2 दिन में उन्हीं चीज़ों को आप बार बार रिपीट कीजिए। इससे क्या होगा, इससे जो है वो आपको कुछ सिलेक्टेड एरिया याद करना पड़ेगा, सिलेक्टेड टॉपिक्स याद करने पड़ेंगे, और आपको चीज़ें वो ज़्यादा याद रहेंगी। और क्या करना है अपने को, परीक्षा जब शुरू होंगी तो परीक्षा जब देने जाएं तो अपन कब छोड़ दें पढ़ना, कि मान लो कल 24 मार्च है और अपने को परीक्षा देने जाना है, तो उससे पहले कब तक अपन पढ़ें। तो आप 24 मार्च को यदि परीक्षा है तो 23 मार्च को रात्रि के 9-10 बजे तक आपका अपना सिलेबस जो है उसको पढ़ लें, जो इम्पोर्टेंट नोट्स बनाए हैं उसको रिपीट कर लें, और फिर किताब को कर दें बंद, और ये सोच लें कि अपने को सब कुछ आता है, इतना कॉन्फिडेंस ले लें
कि अपने को सब कुछ आता है, 9 या 9:30 बजे, रात के 10 बजे तक आप किताब को बंद कर दें बिल्कुल, और आराम से चैन की नींद ये सोचकर सो जाएं, आपको चाहे अब कुछ नहीं आता तो ये सोचकर सो जाएं कि मेरे को सब कुछ आता है और मैं पेपर को फोड़ के आऊँगा, ये सोच करके सो जाएं। सुबह जल्दी उठने का इतना प्रयास नहीं करें, कल पेपर है। तो अब आप जो है, आपको मान लीजिए कुछ एक दिमाग में चल रही है कुछ चीज़ें कि ये प्रश्न मैं दोबारा देख लेता हूँ, तो सुबह 5 बजे उठे और 5 से 6 बजे तक आप एक बार जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उनको 1 घंटे के अंदर आप नज़र मार लीजिए, 1 घंटे के बाद बिल्कुल उसको क्लोज करके बंद करके रख दीजिए। फिर आप अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होइए, उसके बाद नहाने धोने का काम करके और हल्का भोजन करके, और भोजन भी अपने को ताज़ा ही करना है, बासी भोजन अपने को नहीं करना है। कई बार अपन रात का बनाया हुआ, कई बच्चे बासी भोजन कर लेते हैं, उससे जो है वो एग्ज़ाम हॉल के अंदर कई सारी परेशानियों का अपने को सामना करना पड़ता है। तो ताज़ा भोजन बना हुआ सुबह का वो अपन करें। दही जो है, जैसे दही खा लिया ऐसा नहीं करें अपन, दही जो है वो गैस निर्मित करता है, तो दही जो है वो नहीं लें। हल्की थोड़ी सी जैसे दाल हो गई गरम बनी हुई और चपाती खा के और एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठने चले जाएं। फिर आपको कहीं भी ऐसा नहीं है कि अपन एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले तक किताब को हाथ में लिए लिए घूम रहे हैं, तो इससे दिमाग में जो है वो फ्रेशर रहेगा और जो चीज़ें अपने को आती है वो भी अपन भूल जाएंगे। तो अपन एग्ज़ाम हॉल तक यानी घर से निकलने 5 से 6 बजे तक अपन ने रिवाइज कर लिया, फिर अपनी क्रियाएँ हैं वो करेंगे और फिर तैयार होकर के सीधे एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे। इस दौरान यानी 6 बजे बाद अपने को किताब को छेड़ना ही नहीं है, अपने को सीधे एग्ज़ाम हॉल में जाना है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाकर के बैठना है कि मेरे को सब कुछ आता है। अब एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाएंगे तो आपको मिलेगा पेपर, तो आप पेपर जैसे ही आपके सामने आए तो पूरे पेपर को, हालांकि 15 मिनट जो है वो बोर्ड ने जो है पेपर पढ़ने की निर्धारित कर रखे हैं, लेकिन आपको पेपर को पूरा नहीं पढ़ना है। कारण क्या होता है, कई बार जो है पेपर टप बना दिया जाता है, या आपको टप होता नहीं है लेकिन आपको कई सारे सवाल नहीं आते हैं, और जब आप मान लो आपको पेपर में 5 सवाल नहीं आ रहे हैं, वो लगातार आ गए, 21वां सवाल, 22, 23, 24, 25 तक आपको नहीं आ रहे, तो आप सोचेंगे ये भी नहीं आ रहा, तो आपके दिमाग में क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो तनाव की स्थिति से आपको जो सवाल आ रहे हैं वो भी आप भूल जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, आपको प्रत्येक सवाल, जैसे प्रश्न संख्या 1 पढ़ा, आता है उत्तर लिख दिया, नहीं आता है कोई बात नहीं, अगले सवाल पे जाएंगे अपन, क्योंकि अपने पास पेपर रहेगा पूरे जितने भी हैं 2 घंटे 45 मिनट तक पेपर अपने पास ही रहेगा, सवाल भी अपने पास ही रहेंगे। हाँ, जितना आता है उसमें बार बार अपने को समय व्यस्त करने की ज़रूरत नहीं है, अपने को जितना आता है वो एक बार में लिख देंगे, फिर आगे चले गए दूसरे सवाल पर, आता है उत्तर लिख दिया, नहीं आता है नेक्स्ट पे चले गए सवाल नंबर 3। इस तरीके से अपने को लास्ट तक जाना है, न कि अपने को एक साथ देखना है। जैसे मनुष्य की ज़िंदगी के अंदर आपको पता है परिवर्तन होने वाले हैं, यानी वो बच्चा होता है, बच्चे से थोड़ा सा जवान होता है, जवान से वो वयस्क होता है, वयस्क से जो है वो प्रौढ़ अवस्था में जाता है और फिर वृद्धावस्था में जाता है। ये प्रक्रिया उसको पता नहीं चलता है कि कब हो रहा है, यानी बहुत ही धीमा परिवर्तन हो रहा है, वो स्टेप बाय स्टेप है, वो हर सेकंड के साथ चेंज हो रहा है, लेकिन मनुष्य को ये पता नहीं लगता है। तो उसको यदि पूरी किताब खोल करके दिखा दी जाए कि तेरी जिंदगी में ये यहाँ से ये यहाँ तक जो है वो देख इतना जल्दी ये होने वाला है, तो उसके दिमाग में देख तू बूढ़ा भी होने वाला है, तू मरने वाला भी है, तो उससे उसके दिमाग में क्या आ जाएगा, तनाव आ जाएगा। ये पेपर पे यानी दैनिक जीवन को अपने को पेपर पे लागू करना है, दैनिक जीवन को हर जगह अपन लागू करेंगे तो सफल रहेंगे। तो एक एक प्रश्न को अपने को पढ़ना है, एक एक का जवाब देना है और आगे बढ़ते जाना है, लास्ट तक पहुंच जाएंगे, अपने दिमाग पर कोई प्रेशर नहीं आएगा। तो बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप लोग जो है छोटे छोटे नोट्स बनाइए, इंपॉर्टेंट है उनको लिखते जाइए, जो परीक्षा तैयारी अंतराल है उसके अंदर, और लिखने के बाद आपको उन्हीं को दोबारा पढ़ना है। इतनी चीज़ें लिख लीजिए कि इसमें ये आपको, क्योंकि चूँकि आपने क्लास में जब पढ़ाया तो बताया गया होगा इसमें से इस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं, और
उनको नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स बना करके और अपन लिख लेंगे हर एक सब्जेक्ट के कि इसमें से ये चीज़ें देखनी है। फिर एग्ज़ाम में 2 दिन का समय है तो उन्हीं को केवल रिपीट करेंगे, और फिर एग्ज़ाम हॉल तक कोई भी सामग्री लेकर नहीं जाएंगे जो याद करने वाली होती है। उससे दिमाग पर तनाव बढ़ता है, तनाव बढ़ने से चीज़ें भूलते हैं, याद नहीं होती है। नोट्स बनाएंगे, बार बार उन्हीं को पढ़ेंगे, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ेंगे, और एग्ज़ाम हॉल पर जाने से पहले तक कुछ नहीं लेके जाएंगे, घर से एग्ज़ाम हॉल तक कुछ नहीं लेके जाएंगे, घर पे आकर ही देखेंगे कौन सा सही कौन सा गलत, ये बाद में देखेंगे। लेकिन एक बार किताब 6 बजे बंद कर दी तो बंद ही है। डेली का रूटीन टाइम बना लें, सुबह कितनी बजे उठना है, 5 बजे उठेंगे तो नींद दोबारा नहीं आएगी 5 बजे से, जैसे 7 बजे तक पढ़ लिए, फिर दैनिक क्रियाएं से निवृत्त हो लिए, फिर 7 बजे से 9 बजे तक पढ़ लिए, फिर खाना खाया और फिर इधर उधर टहल लिए, फिर 11 बजे से 1 बजे तक पढ़ लिए, फिर थोड़ा बहुत आराम कर लिया 1 बजे से 2 बजे के आसपास, और फिर 3 बजे अपन चाय पी के, या चाय नहीं पीते हैं तो कोई भी जो भी आप नाश्ता वगैरह दोपहर में करते हैं वो करके, और फिर अपन शाम को 5 बजे तक फिर बैठेंगे। 5 बजे के बाद में एक बार ब्रेक देते हैं 5 से 7 बजे के आसपास तक, फिर खाना वाना खा के घूम फिर के, और फिर अपन वापस बैठ जाएं और 10 बजे तक बैठें, 10 साढ़े 10 बजे तक रेगुलर, 10:30 बजे बहुत होता है, 10:30 के बाद में आप सो जाएं, आराम से सोएं, और सुबह फिर 5 बजे उठें। इसके अंदर आप टाइम टेबल बनाए लें, मेरे को हिंदी इतनी, इंग्लिश इतनी पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको डिवाइड कर लें, और 10th के विद्यार्थी हैं तो आप लोग उसको डिवाइड कर लें 6 भागों के अंदर, और जो आपको क्लिष्ट लगता है उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा दें, जो आपको सरल लगता है उसको थोड़ा टाइम कम दें, और इस हिसाब से आप छोटे छोटे नोट्स बना लें, नोट्स बना करके उनको बार बार रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करके और परीक्षा अंतराल में उन्हीं को पढ़ें, यानी परीक्षा के बीच में आज हिंदी की हुई कल इंग्लिश की होगी तो इसके बीच में जो गैप मिलता है उसमें उन्हीं इंपॉर्टेंट नोट्स को पढ़ना है और बार बार उन्हीं को पढ़ना है, इससे अच्छे मार्क्स आएंगे। एग्जाम हॉल तक कुछ नहीं लेके जाना है, हल्का नाश्ता करके जाना है, बासी चीज़ें नहीं खानी है, पानी खूब पीना है, पानी पर्याप्त मात्रा में अपने को पी लेना है, अनावश्यक तनाव पालने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में जाते टाइम जो है पूरा कॉन्फिडेंस रखें, चाहे कुछ भी नहीं आता हो, सब कुछ आता है, ये कॉन्फिडेंस रखें, आपको जो नहीं आता है वो भी आएगा। एग्जाम दें आराम से, सवाल एक सवाल एक बार पढ़ें, पूरा पेपर एक साथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2 घंटे 45 मिनट में 20 सवाल पढ़ने, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक पढ़ते जाएं, उत्तर लिखते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, इससे मार्क्स अच्छे आएंगे। तो आप लोगों को इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि बोर्ड परीक्षा की आप तैयारी किस हिसाब से कर सकते हैं, टाइम टेबल बना करके, नोट्स बना करके, अच्छा भोजन करके, और इसके अलावा आप सुबह 15-20 मिनट मॉर्निंग वॉक भी करें, और योगा वगैरह जैसे अनुलोम विलोम हुआ, कपालभाति हुआ, इस प्रकार के भी कर सकते हैं, जिससे आपका जो तनाव है वो नहीं रहेगा, एग्ज़ाम में किसी प्रकार का आपको तनाव नहीं हो, और आराम से परीक्षा देने जाएं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बोर्ड परीक्षा के लिए और आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।